कुछ नहीं है, आप वोट दीजिए विधानसभा के उपचुनाव में, आप दीजिए तीर का बटन दबा करके, और लोकसभा के चुनाव में आप बंगला का बटन दबा करके दीजिए, यही कहने आए। तो आप संतुष्ट है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा मजदूरी, सो बताइए, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हाँ उठा के बताइए। चलिए बहुत धन्यवाद। और देख लीजिए सामने क्या ऊपर है, सूर्य दिखाई पड़ रहा है ना, तो इन्हीं पर सब कुछ है, अलग अलग धर्म जो माने, लेकिन हकीकत यही है, उसी सूर्य के सहारे ये पृथ्वी जीवित है, सब कुछ जीवित है, हम आप सब कुछ है, उन्हीं के भरोसे है, और उनके सामने हाथ उठा करके बोल दिए, इसे भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, उन्हीं की पूजा है, उन्हीं का व्रत है, 11 तारीख को याद करिएगा, वही व्रत भी है, इसलिए आप सबसे आग्रह करेंगे एक एक वोट दीजिएगा, और हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोगों को और प्रेरणा मिले आपकी सेवा करने का। मैं इतना ही जानता हूं, अपना बिहार का इतिहास गौरवशाली है, बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, गौरव की उस ऊंचाई तक बिहार को फिर हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, और इसके लिए समाज में प्रेम का भाव, भाईचारे का भाव और सद्भावना का भाव कायम रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आपस में प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो कुछ हासिल करने के लिए झगड़ा लगाने लगते हैं, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। लोग चाहते हैं कुछ लोग सत्ता, उनसे पूछिए काहे का सत्ता चाहिए, सेवा से मतलब नहीं है, मेवा से मतलब है बहुत लोगों को, इसलिए हम आप सब लोगों को कहने हैं। और मैं आपको क्या कहूं, कौन सा काम नहीं हो गया, हमने तो सड़क की चर्चा कर दी, अब बताइए बिजली का क्या हाल था। पहले पूरे बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, आज घर घर बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने पहुंचा दिया, 5200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब बताइए पहले बिजली नहीं रहती थी तो लोगों को निर्भर रहना पड़ता था ढिबरी पर, लालटेन पर, अब घर घर बिजली आ गई, लालटेन की जरूरत खत्म हो गई, अब इसलिए समाज में प्रेम का, भाईचारे का, एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रखिएगा, हम आपसे यही निवेदन करेंगे। और आपने हाथ उठाकर वोट के रूप में मजबूरी देने का जो आपने अपना संकल्प प्रकट कर दिया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और अपनी बात में समाप्त करता हूं, आप सबको सबका फिर से मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग आज हमारे पार्टी में शामिल हुए उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।